पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। इमरान खान पर गोली चली। हमले में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इमरान खान के दोनों पैरों में गोली लगी है। इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इमरान खान का बयान सामने आया। कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से, पाक के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। इमरान खान पर गोली चलाई गई है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इमरान के करीबी बताए जा रहे हैं। इमरान खान के दोनों पैरों में गोली लगी, फिलहाल खतरे से बाहर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। पाकिस्तान के गुजरावाला के अलाउद चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है। कथित तौर पर 4 लोग इसमें घायल हुए। इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। संदेह जताया जा रहा है कि पुलिस ने गोली चलवाई। हालांकि हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात हमलावर इमरान खान के कंटेनर के पास पहुंचने पर गोलीबारी करते हुए नजर आए। गोलीबारी जैसे ही शुरू हुई, इमरान खान की सुरक्षा कर्मियों ने तेजी से कंटेनर को सुरक्षित किया और कथित तौर पर हमलावर को दबोच लिया। घटना के बाद फौरन इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त, इमरान खान को अस्पताल भेजा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने कहा कि इमरान खान सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि कुछ इमरान समर्थक कंटेनर के ऊपर थे, उन्हें गोली लगी है। पंजाब प्रांत के गवर्नर इमरान खान के एक सहयोगी फैसल जावेद को गोली लगी। कुछ खबरों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने कहा इमरान नहीं, पाकिस्तान पर हमला। वहीं जब गुजरावाला में गोलीबारी हुई तो इमरान खान के दाएं पैर में पट्टी बंधी देखी गई। इमरान पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल होने की आशंका। भीड़ भाड़ इधर उधर भागती हुई नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने वारदात को लेकर कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आज वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की गई। आप इमरान खान को अभी जानते नहीं, वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उसकी कौम भी आखिरी सांस तक लड़ेगी। ये मार्च हर सूरत में जारी रहेगा। असली आजादी की जंग जारी रहेगी। तस्वीरें आपके सामने। पाक में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बड़ा हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्हें गोली लगी है दोनों पैरों में। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, पाक के पूर्व पीएम इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल हमलावरों को पकड़ लिया गया है। उनके कुछ करीबी हैं, उन पर भी गोली लगी है, उन्हें भी वो भी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इमरान खान खतरे से बाहर हैं, अस्पताल में हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने दूसरी नई जिंदगी दी है। ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान के गुजरावाला के अलाउद चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह जानलेवा हमला हुआ।